अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोरल ड्रॉ X7 में आप एक सिंपल सा बैनर कैसे बना सकते हैं। अभी ये जो बैनर मैंने यहाँ पे लिया हुआ है उसकी जो विड्थ है वो 1600 पिक्सल है और जो हाइट है वो 800 पिक्सल है। डिपेंड करता है कि आप इसको लेंथ में किस तरह से एडजस्ट करते हैं। और इसको मैं शुरू करता हूँ बनाना। रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया ठीक है जी। ये मैं इसको कर रहा हूँ। एंड पे एक और ऐड करना पड़ेगा मुझे। ठीक है जी, ये मैंने ऐड कर दिए हैं। इनको मैं कलर करूंगा अब। मेरे ख्याल से जो है वो ब्राउन कुछ बेहतर नहीं लग रहा, तो मैं आउटलाइन मैंने खत्म कर दी है। ठीक है जी, ये मैंने मेरा जो बैनर है उसका मैंने बैकग्राउंड बना लिया हुआ है थोड़ा सा, ताकि मुझे जो है वो आसानी हो। उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे आता हूँ। इस पे आ जाता हूँ। Thank you.
मुझे ड्रॉ ही करने पड़ेंगे। सबकी सिलेक्शन करता हूँ, ये ज़रा मुझे कम करना पड़ेगा। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो मैं कोशिश करता हूँ कि सबकी सिलेक्शन करूँ और ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ से जो है ना वो एक रो लगा लेता हूँ ताकि मुझसे गलती ना हो। इसके मेथड्स तो और भी काफ़ी सारे हैं कि यहाँ पे मैं गोल दायरा लगा के या मैं रिपेल की ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। ये बात पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी ऑप्शन जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं तो ये वाली ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ। इधर आ जाता हूँ और
ये जो इनर लाइंस हैं इनको मैंने ख़त्म कर दिया। ज़्यादा कर दिया है, सारी आउटलाइन को ही ज़्यादा कर देता हूँ। उसके बाद जो है वो मैं साइज में कम कर लेता हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग गूगल एडसेंस यूट्यूब चैनल। इसका कलर मैं ग्रीन कर लेता हूँ। ठीक है जी, और जो मेन हेडिंग है वो मैं इधर दे देता हूँ ऊपर, माई ई ट्यूटोरियल सर्विसेज। ठीक है,
इसकी थोड़ी मैं एडिटिंग कर लूँगा यहाँ से, यहाँ पे करूँ ताकि थोड़ा नज़र तो आए ना मुझे। और ये मैंने कर लिया, पढ़ लूँ कलर जो है वो, मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आसानी से नजर आए। इसके अलावा इनके भी कलर्स मैं चेंज कर दूंगा, इसके भी। इसको मैं जरा पे आता हूँ, यहाँ पे मैं यानी कि रहना मैंने रेड के अंदर है, और यहाँ से मैं कर देता हूँ फुल रेड, यहाँ से मैं कर देता हूँ वैसे फुल रेड इस तरह करना चाहिए। ठीक है जी, तो ये मेरा एक बहुत ही सिंपल सा एक बैनर मैंने रेडी कर दिया है, तो आज के लिए यही है। बाकी आपको पता है कि ये जो हमारे पहले वाले ट्यूटोरियल्स हैं ये बिगनिंग के हैं, ताकि आपको टेक्निक्स का पता चल जाए, आपको आइडियाज़ का पता चल जाए। उसके बाद इंशाल्लाह जैसे ही ये बिगनिंग थोड़े ट्यूटोरियल एंड होंगे, तो फिर उसके बाद हम इंटरमीडिएट की तरफ बढ़ेंगे, उसमें थोड़ा एडवांस करेंगे, ज़्यादा चीज़ें ऐड करेंगे, ज़्यादा एडवांस मैं आपको करके दिखाऊँगा। तो आज के लिए यही है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो किसी और चीज़ से, किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू सो मच।